अच्छा एक, क्योंकि आपका शुमार आप सिर्फ तर्जुमान ही नहीं है केपी हुकूमत के, उनके मुशीर इतलात ही नहीं है बल्कि सीनियर रहनुमा भी हैं पीटीआई के, जरा से हटके सवाल के ये बात कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने जो है जीएचक्यू के सामने इत्तेजाज का हुक्म देने का इतराफ़ किया है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए मैं समझता हूँ ये उसी उन्हीं इल्जामात की एक जो एक सिलसिला है, एक चेन ऑफ एलिगेशंस है, बेसलेस बायस और बिल्कुल झूठे इल्जामात, ये उन्हीं के एक सिलसिला है। इमरान खान ने, मुझे नहीं पता, मैंने तो कोई ऐसी बात इमरान खान के मुंह से नहीं सुनी, ना मैंने फ्रेंकली कोई ऑडियो ऐसी सुनी है, बस इल्जामात ही लगाए जा रहे हैं। असल में वो हमारी पश्तो में एक वो कहावत है कि जब किसी को पकड़ना होता है तो वो जो है ना वो पानी को गंदा किया जाता है, वो भेड़िया पानी को गंदा करता था ताकि भेड़ के बच्चे को खाने का बहाना मिल सके। ये बेसिकली पीटीआई को तंग करने के लिए, पीटीआई को उलझाने के लिए इस तरह के इल्जाम लगाते हैं कि हम जैसे मतलब कौम के दुश्मन हैं। इमरान खान से ज्यादा फौज का से मोहब्बत, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वालों से मोहब्बत करने वाला शायद ही कोई हो। मेरे ख्याल में इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में शायद आखिरी आदमी होगा जिस पर ये इल्जाम लगाया। सैफ साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया।